आप सभी दर्शकों को राधे राधे। आज अपनी डेली स्ट्रीट फूड एक्सप्लोरेशन की जर्नी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपका होस्ट रोहन और मैं आपका होस्ट पृथ्वीराज आ चुके हैं श्री बाके बिहारी ब्रिजवासी रसगुल्ले वाले पे, जो कि कमला नगर डी ब्लॉक में है। तो चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इनका फूड। राधे, हमारी दुकान DX28 कमला नगर श्री बांके बिहारी ब्रजवासी रसगुल्ला वाला, जो 1954 से है। हमारे दादाजी 1954 में कलकत्ता गए थे और वहाँ से रसगुल्ला बनाना सीखा। हम वृंदावन के रहने वाले हैं। 1957 में हमारे दादाजी लाला राम प्रसाद जी ने इसको चालू करा। उसके बाद में इस दुकान को हमारे पिताजी लाला श्यामलाल जी ने और हमारे चाचा सतीश ब्रजवासी ने इसको संभाला। उसके बाद में अब हम थर्ड जनरेशन इस काम को संभाल रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें मैं राजीव ब्रजवासी, मेरा भाई अमित ब्रजवासी और रोहित ब्रजवासी, हम तीनों इस काम को आगे प्रोग्रेस करने में लग रहे हैं। तो सर, आप बताइए हमारे दर्शकों को कि आपकी दुकान में क्या क्या मिलता है। हमारी दुकान में गाय के दूध से बनी मिठाई बनाई जाती है, जिसमें कि रसगुल्ला, रसमलाई, राजभोग, गुलाब जामुन, काला जामुन, वह दूध से बनी मिठाई हैं। हम मावा भी अपना बनाते हैं, जो हमारे यहाँ गुलाब जामुन बनता है वो सब हमारे मावे का बनता है। हमारे यहाँ बाहर से कोई चीज़ नहीं लाई जाती, हमारे यहाँ पनीर, खोया, मावा सब अपना बनाया जाता है। और यहाँ तक कि घी भी जो बनाया जाता है, जो यूज़ हो मिठाई में यूज होता है, वो हमारा अपना बनाया जाता है। हम अपना यूज़ करते हैं, जिसमें कि रसगुल्ला, रसमलाई, राजभोग। और हमारे यहाँ जो भोजन बनते हैं, भोजन में बिना लहसुन प्याज का भोजन बनता है और शुद्ध गाय के घी में बनता है, जो सारा गाय का घी यूज होता है। तो और आइए मैं आपको पेश कराता हूँ दाल मखनी। इसमें कोई हमारे यहाँ प्याज और लहसुन आता ही नहीं है जो यूज़ होगा, ये सब बिल्कुल शुद्ध सात्विक ब्रज का भोजन है। राजमा, और ये हमारे यहाँ की वृंदावनी तो बहुत ही प्रसिद्ध है, ये कड़ी है। हाँ जी, इसको वृंदावनी कहते हैं। वृंदावनी, हाँ। इसे ऐसा क्यों कहते हैं? वृंदावन में ब्रज में ठाकुर जी को वैसे कहते हैं कि सावन में ठाकुर जी को कड़ी का भोग नहीं लगाया जाता, शुभ नहीं मानते। तो हमारे ठाकुर जी को वृंदावनी अति प्रिय है, इसलिए ठाकुर जी ने इसका नाम वृंदावनी रख दिया। इसको 12 महीने ठाकुर जी का भोग लगता है वृंदावनी का, इसलिए हमारे यहाँ जरूर बनती है। क्योंकि हमारे यहाँ 12 महीने जैसे वृंदावन में सेवा होती है, वैसे ही यहाँ पर सेवा होती है। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी विराजमान है, राधा रानी, तो उनके लिए हमारे को रोज वृंदावनी अवश्य बनानी पड़ती है। राजीव जी, मैं ये देख रहा हूँ कि मटकियाँ मक्खन के लिए हैं, किस चीज़ के लिए हैं ये मटकियाँ? हमने ये चालू करी हैं जैसे कि हम प्लास्टिक बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं प्लास्टिक, क्योंकि ये मटकी माइक्रो यूज है और हमने विशेष तौर पर खुर्जा से बनवाई गई है। और इसी के अंदर में हम रसगुल्ला, रसमलाई, राजभोग और जो अपना भोजन है वो इसी इन्हीं मटकियों में पैक करके देते हैं, जिससे कि ये बिल्कुल सात्विक है और मिट्टी के बने हुए हैं और ये माइक्रो यूज़ भी हैं, घर पे ले जाके काम भी आता है, फेंकने में नहीं आता। आपकी क्या रिकमेंडेशन है कि हमें कैसे शुरुआत करनी चाहिए? तो आइए, आप पहले हमारे ब्रज का भोजन स्वीकारिए, उसे पाइए, फिर आप मैं आपको मिठाई की ओर लेंगे। ओके, शुक्रिया। तो राजीव जी के रिकमेंडेशन पर हमारी ब्रिजवासी थाली आ चुकी है और आपको चक्के बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं ये कहूँगा रोहन, शुरू करने से पहले, भारतीय खाने में सिर्फ मसाले और सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि धर्म का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे कि ये, जिसे वृंदावनी कहते हैं, और वृंदावनी कहने के पीछे का कहानी ये है कि ठाकुर जी को कड़ी बहुत प्रिय है, लेकिन सावन के महीने में उन्हें कड़ी का भोग नहीं लगता है। तो इसी कड़ी, मतलब जैसे कड़ी बनाते हैं दही और बेसन के साथ, वही बनती है, लेकिन वहाँ इसे वृंदावनी बुलाया जाता है। और ये नाम बदल जाने की वजह से ठाकुर जी को 12 महीने अपनी प्रिय भोग मिलती रहती है। तो और चीज़ों के बारे में रोहन बताएं। यहाँ पर गोभी, आलू है, जिसमें फिर से आलू की धोखाधड़ी तो नहीं हुई है? इस बार ही धोखाधड़ी हुई है, बट मेरे को ये वाले आलू बड़े पसंद है, बड़े वाले। इसमें ना वो घी घी लबा लबा लिपटा पड़ा है ना। तो पृथ्वी, ये क्या लग रहा है आपको?
तो ये यार मेरे को रोहन ना ब्रिज बेसन कतली लग रहा है ये ना उन्होंने राजीव जी ने आपको पहले बता दिया था, बट मैं आपको बता देता हूँ कि ये ब्रिज बेसन कतली के पीछे की कहानी, ठाकुर जी जो होते हैं वो बालक स्वरूप में होते हैं, तो वो जो गट्टा होता है राजस्थानी गट्टा होता है वो हार्ड होता है, उनके लिए ब्रिजवासी खाने में जो गट्टा बनाया जाता है वो सॉफ्ट बनाया जाता है, बट इसको कट ऐसे किया गया है कि जैसे पनीर जैसा हो दिखने में, बट है ये बेसन का गट्टा ही, ब्रिजवासी कटली कहते हैं इसको। ये थाली में साथ में है लच्छा पराठा, उसके ऊपर एक सीक्रेट मसाला है जो राजीव जी ने अभी डिस्क्लोज नहीं किया, बट उन्होंने एक चीज़ बताई कि जो उनका लच्छा पराठा होता है उसको दूध में गूंदा जाता है जो आटे को, और ऊपर से तकड़े तरीके से घी लिपटा हुआ है, तब बिल्कुल वृंदावन गोपाल श्री कृष्ण वो गाय का दूध घी मक्खन मावा सब कुछ बहुत बढ़िया से इस थाली में दिख रहा है। मेरी थाली में दो ब्रेड हैं, नान है और मिस्सी रोटी है, तो मिस्सी रोटी बेसन से बनती है बेस में, और बाकी सब्जी में ये हमारा खोया पनीर, तो दोबारा से पनीर दूध का पनीर दूध का खोया और दोनों एक साथ मिक्स, और फिर हमारी है दाल मखनी। अभी अभी हमारे खाने के साथ साथ हमें बताया गया कि यहाँ पे ही मिलने वाला लौकी का अचार, और इसकी खास बात जो है वो ये है वो टेस्ट के बाद तुरंत खाना खाना शुरू करने से पहले श्री राधे। पराठा देखनी सारी लेयर है ना, पेट देख अपना बड़ी सारी लेयर अब वो तो है ही ना, दैट इज माई जॉब। प्रसाद बहुत ही बढ़िया स्वाद है खोया मटर पनीर का, बहुत ही क्रीमी ग्रेवी, बहुत ही डेलिकेट मसाले, तीखा बहुत कम, और कसूरी मेथी का हल्का सा स्वाद, और जो ग्रीक घी की वजह से जो जो स्मूथनेस आ रही है बहुत बढ़िया लग रहा है, और पराठा इतना लच्छेदार इतना क्रिस्पी और घी में लिपटा हुआ, अलग ही जायका बिल्कुल, मतलब इससे बढ़िया जायकेदार पराठा मैंने तो आज तक कभी नहीं खाया पृथ्वी, सही बताऊँ। प्रसाद ये तो प्रसाद एक्चुअली प्रसाद। मैंने अभी मिस्सी रोटी और मावा पनीर खाया, पनीर इतना फ्रेश है रोहन, और मिस्सी रोटी पे ये जो मसाला डाला है ना सच में इनका सीक्रेट रखने लायक वाला मसाला है, इसका एक अलग ही फ्लेवर और अलग ही टेस्ट आ रहा है इसके साथ। अब मावा पनीर कई जगहों पे ना थोड़ा मीठा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मीठा नहीं हो रहा है, बहुत ही फाइन स्वीटनेस आ रही है हल्की सी, लेकिन है बहुत जायकेदार, मसाला बिल्कुल मीडियम शानदार। मैंने अभी बेसन कतली खाई, बहुत ही नरम बेसन कतली थी, मुंह में जाते ही घुल रही है, इसमें मसाला थोड़ा सा तीखा है बट खाने में बहुत ही बढ़िया जायका आ रहा है, इसमें ऊपर उन्होंने जो टमाटर को अच्छे से भुनाई करी हुई है उसके अंदर मसाले डाले हुए हैं, और जो बेसन की जो कतली बनाई है बहुत ही बढ़िया, मतलब सीरियसली अनुभव सर जो बोलते हैं उम्दा, ये उम्दा ही एक्चुअली। हाँ जी चाचा जी दोस्तों बेसन कतली कितना लगी भाई, कभी कभार ना कुछ कुछ खाना ऐसा होता है मन करता घर जाऊं मम्मी को पकड़ के लाऊं और वहां के हलवाई शेफ से बोलूं एक बार सिखा दे। एक्चुअली बहुत ही बढ़िया, मैं पहली बार एक्चुअली मैंने कभी गट्टे की सब्जी भी नहीं खाई बट पहली बार खा रहा हूं और बहुत ही बढ़िया स्वाद। गट्टे की सब्जी मैंने बहुत खाई है तभी मैं बता रहा हूं कि ये कुछ ज़्यादा ही अलग है, मतलब अगर मैं इसको जादुई गट्टे की सब्जी बोलूँ मुँह में जा रहा है गट्टा भी घुल रहा है, और गट्टा घुल जाना एक बहुत कला की बात है बनाने की। बेसन कतली के अंदर सौंफ का स्वाद, कसूरी मेथी और साबुत धनिया का स्वाद बहुत ही बढ़िया आ रहा है, और कतली इतनी सॉफ्ट है ना कि मतलब दिल बाग बाग हो गया, सच में बच्चे चबा सकते हैं। हाँ मतलब अभी न्यूबॉर्न बेबी है ना उसके मुंह में डाल दो करके निकलेगा। और अब ट्राई कर रहा हूँ मैं दाल मखनी इनकी, तो आइए देखते हैं। तो दाल मखनी जैसे पूरा नाम है और उसका जो सरनेम है मखनी वही उसको डिफाइन करता है, और यहाँ पे मक्खन का यूज़ किया है इन्होंने गाय के दूध का, तो वो एक डिस्टिंक्ट टेस्ट दे रहा है। आपने दाल मखनी तो हर जगह ही खाते हैं पर जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं पंजाब से लेके आधा यूपी दाल मखनी चल रही होती है, वो अमूल बटर पे चल रही होती है। हाँ लेकिन ये जो गाय के घी और बटर का टेस्ट आ रहा है इसके साथ,
वो इसको बहुत अलग बना रहे हैं। आप भी आइए, गाय के घी की दाल मखनी खाइए, गाय का। तो अब हम ट्राई कर रहे हैं श्री कृष्ण जी का फेवरेट भोग वृंदावनी, जिसमें पकोड़े के अंदर पनीर और बेसन दोनों को एक साथ मिला के फ्राई करके पकोड़ा बनाया गया है, और बाकी कड़ी हमारी दोबारा से क्योंकि गाय का घी उपयोग हो रहा है तो टेस्ट में कुछ ना कुछ तो फर्क आएगा ही। चलिए, थोड़ा मसालेदार है इसका पकोड़ा और जो कड़ी के साथ मिलके बहुत बैलेंस टेस्ट बना रहे, और साथ में इन्होंने अपना सीक्रेट मसाला इस कड़ी के अंदर भी डाला हुआ है, जो भी बीच बीच में क्रंची बाइट्स दे रहा है। तो बहुत अलग और बहुत शानदार कड़ी, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही क्रीमी वृंदावनी वृंदावनी, और इसको खा के पता लग रहा है श्री कृष्ण जी को क्यों पसंद थी है। अब बारी है गोभी आलू खाने की। गोभी आलू का रंग बड़ा अच्छा है, मगर वही है डीप फ्राई की गई है, बट इसमें आलू की धोखाधड़ी करी गई है। टेस्ट बताइए, धोखाधड़ी छोड़िए। ओवरऑल सारी सब्जियां पृथ्वी बहुत अच्छी थी, जो मेरे को बेस्ट आइटम लगी वो लगी बेसन कतली, मटर पनीर और खोया पनीर। मेरे को सबसे बेस्ट जो लगा रोहन, वो दोबारा से बेसन और वृंदावनी, और ये सारे खाने में प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं किया गया, खाना सात्विक है। अब आप हमारे यहाँ का प्रसिद्ध मीठा चखिए। अच्छा चलिए, मीठे में क्या क्या? मीठे में रसमलाई दीजिए, एक पीस दीजिएगा भैया, एक चम्मच और दे दीजिए। तो ये है हमारा काला गुलाब जामुन, जिसकी खूबसूरती के लिए इसके ऊपर डाला है मलाई और पिस्ताचियो। इतना गर्म नहीं है लेकिन आपकी जल जरूर रही होगी। तो बहुत ही शानदार रोहन, एक तो इनका साइज़ काले जामुन का ऑर्डिनरी काले जामुनों के मुकाबले काफ़ी बड़ा है, तो जो आउटर लेयर जो थिक है वो इतनी मोटी है, अंदर के मावे का टेस्ट बहुत अमेजिंग है, ऊपर से इन्होंने गर्म मलाई डाली, पिस्ताचियो, केसर, मतलब ऐसा लग रहा है अच्छा अच्छे पे अच्छा अच्छे पे और अच्छा, और अब मुझसे अच्छे को खाए जा रहे हैं। शानदार। जब तक पृथ्वी काले जामुन को डिस्क्राइब कर रहा था तब तक मैं आधी रसमलाई पेल चुका था, तो दोबारा आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। बहुत ही शानदार तरीके से बैलेंस्ड मीठा है ना, बहुत सॉफ्ट रसमलाई, मीठा अच्छे से बैलेंस, पिस्ते का क्रंची टेक्सचर और बहुत अच्छी अरोमा। ओवरऑल एक मिठाई में जो भी आप चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं सब कुछ है, दूध में मिठास बहुत अच्छे से बैलेंस, और केसर का बहुत ही अच्छी केसर की काफ़ी अच्छी रंगत और काफ़ी अच्छा अरोमा आ रहा है इसके अंदर से, बेस्ट। तो हमारी मिठाई का सफ़र अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, और राजीव जी है कहते ऐसे कैसे जाने देंगे और मिठाई खाओ, तो उन्होंने हमारे को बोला कि चंद्रकला, पतीसा, गुलाब जामुन और राजभोग। तो अब राजीव जी खुद ही बताएंगे इन मिठाइयों के बारे में। ये जो राजभोग है ये गाय के दूध से बना हुआ है, और ये बिल्कुल रुई की तरह नरम होगा, आप जब इसे खाएंगे तो इसके अंदर में केसर की फीलिंग होती है, और ये गाय के दूध के छेने से बना हुआ है, इसे व्रत में भी उपयोग में लाया जा सकता है। और ये जो हमारे यहाँ का गुलाब जामुन है, प्रसिद्ध गुलाब जामुन है, इसे आप खाती आपको ऐसे गुलाब की फीलिंग आएगी, ये बिल्कुल सॉफ्ट होगा, बिल्कुल मुँह में जाके घुल जाएगा। और ये पतीसा और जो चंद्रकला है ये हमारे ठाकुर जी के लिए अति प्रिय है और भोग में लगती है, और इसे हम शुद्ध गाय के घी में खुद यहाँ पे अपने आप तैयार करते हैं, ठाकुर जी के भोग के लिए लोग आग यहाँ से लेके जाते हैं। चंद्रकला और पतीसा ये ठाकुर जी को 12 महीने भोग में लगता है, अति प्रिय है। तो शुक्रिया राजीव जी हमारे को ये सब कुछ बताने के लिए। राजीव जी थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से हमारे को होस्ट करा, सारी चीज़ों के बारे में बताया, ब्रिज के कल्चर के बारे में बताया, खाने के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा लगा हमारे को सारा कुछ खा के, बहुत मजा आ गया, और 2.5 किलो मेरा वजन बढ़ गया। मेरी और मेरे पेट की तरफ से धन्यवाद। और इसी के साथ अपना प्यार देते रहें श्री बाके बिहारी ब्रिजवासी रसगुल्ले वाले जी को, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, लाइक करें, कमेंट करें, और मन करे तो कमेंट में ज़रूर लिखें राधे राधे। धन्यवाद।